आज की इस गेमिंग अपडेट के वीडियो से वॉरजोन मोबाइल का नया पैच, मार्वल कॉन्टेस्ट ऑफ चैंपियन में आ चुका है नया अपडेट, बहुत सारे अपकमिंग मोबाइल गेम्स, मार्वल राइवल का जो अर्ली एक्सेस आने वाला है उसमें हम कौन कौन से गेम मोड्स खेल पाएंगे, मोबाइल गेम जो इस महीने रिलीज होने वाले उसका रिलीज डेट, और इस वीडियो के आखिर में आपको जानने को मिल जाएगा एपिक्स लेजेंड मोबाइल गेम के बारे में भी जो शायद रिटर्न करने वाला है। चल झूठा नहीं यार, हम झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, जो भी है आपके सामने रख देंगे, उसकी हिसाब से आप डिसाइड करना कि आएगा या फिर नहीं। लेकिन उससे पहले वीडियो कहीं भी पसंद आ जाए तो फटाफट से लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को भी लगे हाथों सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आपका भाई डेली इसी तरह से गेमिंग न्यूज के वीडियोस लेके आ जाता है, तो आप ही का फायदा है। बात तो सही है। तो सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी वर्जन मोबाइल में आए हुए नए अपडेट को लेके। ऑब्वियसली आप सबको पता ही है, जब भी इस गेम में एक बड़ा सा अपडेट आता है उसके 4-5 दिन बाद एक पैच नोट रिलीज करते हैं ताकि गेम उनका सुधर जाए। तो इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ है। प्ले स्टोर पे हमारे डिवाइस में ये अपडेट डिटेक्ट हुआ है, 56 MB, और इन गेम कुछ 192 MB डाउनलोड करना पड़ा तब जाके हम गेम में लॉग इन कर पाए, और ये जो अपडेट साइज है वेरी करेगा डिवाइस टू डिवाइस। तो आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताना ये जो नया पैच वाला अपडेट है आपके डिवाइस में कितना एमबी का डिटेक्ट हुआ है। और इस अपडेट का नोट्स भी उन्होंने रिलीज कर चुके हैं, जिसमें पहला पॉइंट उन्होंने मेंशन किए हैं ग्राफिक्स एंड परफॉर्मेंस, जिसमें आप 4 पॉइंट्स पढ़ सकते हो, जिसे हम बिल्कुल भी यहां एक्सप्लेन नहीं करने वाले। अगर आपको पढ़ना है वीडियो को पॉज करो, आराम से पढ़ लो। दूसरा मेन पॉइंट उन्होंने मेंशन किए हैं गेम प्ले को लेके, जिसमें गेम को लेके बहुत सारी चीजें जो है फिक्स किए हैं, लेकिन ओवरऑल आपको जानना है कि इस अपडेट को करने के बाद क्या गेम सुधरा है। उसका आंसर है हाँ, अब सभी डिवाइस में ये इस अपडेट के बाद सुधर चुका है गेम, ये तो आपको पक्का नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हमने जो लास्ट अपडेट किया था बड़ा वाला अपडेट, उसे करने के बाद गेम अनप्लेबल था, लेकिन जब इस अपडेट को किए उसके बाद गेम थोड़ा बहुत खेलने लायक तो बन चुका है, जिसका ऑन स्क्रीन आप गेम प्ले भी देख पा रहे हो। हालांकि गेम में अभी भी दिक्कत है, कब फिक्स होगा इसके बारे में शायद डेवलपर को भी पता नहीं होगा। तो देखते हैं आगे चल के और कितने सारे अपडेट्स रिलीज करते हैं और कौन से अपडेट में जाके प्रॉपर गेम अच्छा बनता है। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बता देना। हमारा दूसरा अपडेट है मार्वल कॉन्टेस्ट ऑफ चैंपियंस गेम को लेके। देखा जाए तो काफी दिन बाद इस गेम को हम कवर कर रहे हैं, हालांकि हमने गेम प्ले भी शूट किए थे जो आपको चैनल पे भी देखने को मिल जाएगा। अगर आप सबने नहीं देखा है तो जरूर से जाके देख लेना, मजे करोगे। लेकिन रिसेंटली इस गेम में एक अपडेट को रोल आउट किया गया है जिसका लगभग साइज है 105 MB। इस अपडेट को करने के बाद गेम में आपको कुछ नए नए चीजें जरूर एक्सेस करने को मिल जाएगा, जिसमें आता है नया क्विस्ट, नया इवेंट, जो ऑन स्क्रीन भी आप स्क्रीनशॉट देख पा रहे हो, वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हो कि आखिरकार इस अपडेट में आपको क्या खेलने को मिलेगा। तो इस गेम को अगर आप खेलते हो तो प्ले स्टोर पे जाओ, फटाफट से गेम को अपडेट कर लो। हमारे तीसरे अपडेट को सुनने और जानने से पहले हेडफोन यूज कर लो, क्योंकि ये जो अपडेट है आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है, और मुझे नहीं लगता कि यार इसके बारे में आपको कोई बताया होगा, क्योंकि आने वाले कुछ 2 सालों में इतने सारे मोबाइल गेम रिलीज होने वाले हैं कि क्या बताएं। ऑब्वियसली बता तो नहीं सकते हैं, लिस्ट जरूर आपको शो करा देंगे जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा, और इसके ऊपर हम एक प्रॉपर वीडियो प्लान कर रहे हैं जिसमें हम एक एक गेम के बारे में आप सबको बताएंगे। तो अगर आप चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताना। सबसे पहले बात कर लेते हैं सीडी प्रोजेक्ट के बारे में। ऑब्वियसली आपको काफी दिन पहले बताए थे, सीडी प्रोजेक्ट के तरफ से कंसीडर किया जा रहा है कि मोबाइल डिवाइसों के लिए साइबर पंक या फिर द विचर IP के ऊपर एक गेम बनाने का। ऑब्वियसली इन दोनों में से कोई भी गेम आ सकता है, लेकिन अभी तक इसके ऊपर एक प्रॉपर अपडेट नहीं आया है। ऑब्वियसली आगे चल के हमें सुनने को कुछ ना कुछ तो जरूर मिल जाएगा। उसके साथ साथ एक अनअनाउंस्ड मोबाइल टाइटल ब्लिज़र्ड एंटरटेनमेंट के तरफ से भी डेवलपमेंट में है, तो ये कौन सा गेम होगा इसके बारे में भी कोई अपडेट नहीं है। और आखिर में प्ले स्टेशन स्टूडियो के तरफ से 5 अनअनाउंस्ड AAA मोबाइल टाइटल्स आने वाला है, इनमें से शायद हो सकता है स्पाइडरमैन हो या फिर और कुछ जो आपको पता है कमेंट करके जरूर बता देना। लेकिन इसके अलावा कौन कौन से गेम हमें मिलने वाले हैं कुछ आने वाले सालों में, उसका गेम का लिस्ट आपको सामने दिखा देंगे। 404 लीक के मुताबिक Assassin's Creed Jade, द डिविजन रिसर्जन, रेनबो सिक्स मोबाइल, वेलोरेंट मोबाइल, स्केट मोबाइल, डेल्टा फोर्स, NFS मोबाइल, एल्डन रिंग मोबाइल, नाराका ब्लेड पॉइंट, उसका रिलीज डेट भी आप सामने पढ़ सकते हो। उसके साथ साथ एज ऑफ एम्पायर्स मोबाइल, लॉस्ट आर्क मोबाइल, टेरिस लैंड, वेदरिंग वेब जो इस महीने रिलीज होने वाला है, जेनलेस जोन जीरो, प्रोजेक्ट मुगेन, डार्क एंड डार्कर मोबाइल, सोलो लेवलिंग अराइज जो कल रिलीज हो जाएगा, प्रोजेक्ट ब्लैक बजेट, हॉनर ऑफ किंग वर्ल्ड जो इंडिया में भी रिलीज होने वाला है, राइट का अनअनाउंस MMO मोबाइल गेम, और आखिर में इंडस बैटल रॉयल। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे गेम्स जो है आने वाले कुछ सालों में हमें खेलने को मिल जाएंगे। तो इनमें से कौन से गेम के लिए आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो कमेंट करके जरूर बताना। और जैसे कि बताएं
इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो प्लान कर रहे हैं जिसमें हम एक एक गेम के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो उस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हो तो ऑब्वियसली रिक्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा। तो करना। तो पिछला अपडेट जान के आपको मजे तो जरूर आए होंगे, लेकिन ये अपडेट भी वो मजा दुगना कर सकता है, क्योंकि इस महीने जो है बहुत सारे मोबाइल गेम रिलीज होने को है, जिसमें से सबसे पहला गेम आएगा सोलो लेवलिंग अराइज, 8 मई को रिलीज होने वाला है यानी कल। उसके बाद लिस्ट में है एमेकिन सर्वाइवल एनिमे आरपीजी, जिसे हम पाल वर्ल्ड का क्लोन भी बोल सकते हैं, जिसे बताया जा रहा है 16 मई को रिलीज करने वाले हैं। अगर आप एप्पल डिवाइस यूजर है तो आपको ये गेम ऐप स्टोर पे एक्सपेक्टेड रिलीज बता देगा 16 मई को, तो शायद हो सकता है सभी के लिए 16 मई को ही इस गेम को रिलीज कर दें। देन आता है इस महीने का सबसे बड़ा गेम वेदरिंग वेव्स, जिसे 23 मई को ग्लोबली रिलीज करने वाले हैं। इस गेम के लिए तो यार बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। देन आएगा 29 मई को स्क्वाड बस्टर, और आखिर में उसी दिन लेगो हिल क्लब एडवेंचर्स भी रिलीज होने वाला है। तो इन सब गेम में से कौन से गेम के लिए आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो, कमेंट करके जरूर बता देना। तो बढ़ चलते हैं हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो आ रहा है मार्वल राइवल्स गेम को लेके। ऑब्वियसली अभी तक भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है मोबाइल डिवाइसों के लिए, लेकिन सबको पता है अच्छे से कि इस साल के एंड तक तो ये अनाउंस जरूर कर देंगे। लेकिन जो पीसी यूजरों के लिए क्लोज अल्फा टेस्ट होने वाला है 10 मई को, उसमें कुछ गेम मोड्स निकल के आ चुके हैं। 404 लीक के मुताबिक इस पहले क्लोज अल्फा टेस्ट में आप खेल पाओगे ट्यूटोरियल, ऑब्वियसली हर गेम में होता ही है, उसके साथ साथ क्विक मैच, पॉकेट यूनिवर्स, कॉम्पिटिटिव मोड और मोड का फीचर्स भी आपको इस क्लोज अल्फा टेस्ट में मिल जाएगा। और साथ में एक टूर्नामेंट भी हेल्ड कर रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है प्राइस पूल है $22,500। और ऑब्वियसली हम सब तो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिनको भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा वो जीत सकते हैं ये रकम। जिस टूर्नामेंट का नाम दिया गया है डॉन ऑफ लेजेंड। तो इस गेम को खेलने के लिए एक्साइटेड तो हूँ, लेकिन यार मिलने से रहा। और इस पहले क्लोज अल्फा टेस्ट में हम साइन अप भी कर चुके हैं, अगर मिल जाता है हमारे पीसी में चल जाता है तो शायद हो सकता है हमारे सेकंड चैनल पे इसका गेम प्ले भी लाएं, तो उसके लिए आपको स्टे ट्यून रहना है, समझ रहे हो। और इस वीडियो का आखिरी अपडेट आ रहा है एपिक्स लेजेंड मोबाइल गेम को लेके। जब ये गेम था हम उतना इसे पूछते नहीं थे, लेकिन जब ये गेम शटडाउन हुआ, वर्जन मोबाइल रिलीज हुआ, उसके बाद तो यार इस गेम को हम बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। देखा जाए तो काफ़ी अच्छा गेम था, जिसमें हमने काफ़ी सारे वीडियोस भी बनाए थे। हाँ, वो अलग बात है, आप सभी की तरफ से सपोर्ट तो नहीं मिला, ऑब्वियसली नोब तरीके से खेलते हैं हर बैटल रॉयल गेम को हम, लेकिन फिलहाल इस गेम को लेके बुझते हुए आँख पे थोड़ा सा चिंगारी देखने को मिल रहा है, क्योंकि पता चल रहा है कि एपिक्स लेजेंड मोबाइल रिटर्न करने वाला है 2026-27 के आसपास, जिसका कुछ इन्फॉर्मेशन बताया जा रहा है 2025 में हमें सुनने को मिल जाएगा, लेकिन अभी भी ये कन्फर्म नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी। लेकिन जब ये सनसेट हुआ था उसके कुछ दिन बाद सुनने को जरूर मिला था कि ये गेम कभी ना कभी तो वापस आएगा, लेकिन कब उसका आइडिया किसी को भी नहीं था। तो सच की इस ट्वीट को भी आप पढ़ सकते हो, फॉर दोस हु आर वंडरिंग रिगार्डिंग एपिक्स लेजेंड मोबाइल एंड बैटलफील्ड मोबाइल, जी हाँ बैटलफील्ड मोबाइल भी इसमें ऐड कर सकते हो, होप फॉर सम इन्फो बाय 2025। उसका रीजन, द जॉब ओपनिंग बाय रिस्पॉन्ड एंटरटेनमेंट एंड डाइस मेंशन फॉर मोबाइल इन एक्सपीरियंस। तो उम्मीद करती कि 2025 में ही इन दोनों गेम्स को लेके कुछ ना कुछ अपडेट हमें मिल जाए। आपको क्या लगता है? मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। तो इसी के साथ आज की इस कमाल धमाल बेमिसाल गेमिंग अपडेट वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। समाप्त तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके बाद भी एक कमाल का वीडियो आने वाला है आप सबके लिए, जो सरप्राइज है, आप सबको जरूर पसंद आएगा। तो उसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा लो, लेकिन दबाने से पहले वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक फ्रेश एंड फाइन एपिसोड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।